हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे अमेरिलिस लिली के सीड्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो नंबर 20 में आपने अमेरिलिस लिली की फ्लावरिंग तो देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसने हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी और जहाँ से फ्लावर सूख जाते हैं वहाँ से नीचे से ही इसमें सीड पॉट बन के रेडी हो जाता है। हर बल्ब और हर फ्लावर सीड पॉट रेडी नहीं करता है। जब तक बल्ब हेल्दी नहीं होगा तब तक वो सीड पॉट नहीं बनाएगा। ये प्लांट हमारे पास पिछले 7 सालों से है और इसने फर्स्ट टाइम हमें सीड पॉट दिया है, तो उसके लिए किस टिप्स का फॉलो करना है वो हम आपको बताएंगे। तो किसी भी प्लांट के लिए रीपॉटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप बल्ब परचेज करते हैं तो आप उसको जनवरी फरवरी में ग्रो करते हैं, उसी तरह से ये प्लांट हमारे पास पहले से था तो हमने इसको रीपॉट किया। रीपॉटिंग किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके लिए हमने इसकी जो मिट्टी है उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड किया, तो इसी मिट्टी में हमने 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल में 40% काउडंग यूज़ किया है और 20% रिवर सैंड यूज़ किया है। और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हल्का मॉइस्ट रखें क्योंकि इसके बल्ब ऑलरेडी पानी स्टोर करके रखते हैं। तो पहले इसके बल्ब ग्रीन थे, इसके सीड्स ग्रीन थे, अब ये हल्का हल्का सूखने लगे हैं तो इन्होंने ब्राउन कलर ले लिया है। फ्लावरिंग के 20 डेज़ के अंदर अंदर ये आपको सीड रेडी करके दे देता है और 20 दिन के बाद आपको जो इसके सीड्स हैं वो मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है ये सीड और ये अपने आप खुलता है, आप इसको बिल्कुल भी ना छुएं। तो कुछ फ्लावरिंग इसमें हुई, तो इसमें से हमारी बहुत सारी फ्लावरिंग हुई तो उसमें से कुछ सीड ही रेडी हुए हैं। हर फ्लावर सीड बना के नहीं देता है। तो ये खुलने लगा है अपने आप, जैसे जैसे सूखने लगा है ऐसे ऐसे ये हल्का हल्का खुलने लगा है। तो आप इसको छुएं ना, ये अपने आप आपको सीड खुल जाएंगे, तब आप इसको सीड कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बल्ब की हेल्दीनेस पर ध्यान दें तभी आपको सीड पॉट मिलेंगे। तो एक तो फर्टिलाइज़र हो गया और एक मॉइस्चर इसमें हल्का रखना है, और इसको सनलाइट अच्छी पसंद है इसलिए इसको सनलाइट में रखें आप। तो ये अप्रैल लास्ट तक इसने सीड दे दिए हैं इस तरह से। अब हम इनको कलेक्ट कर लेंगे और इसको ड्राई एंड कूल प्लेस पे रखना है और अंधेरी जगह पर रखना है जहाँ पर सनलाइट ना आती हो। किसी भी सीड्स को आप स्टोर करें उसको कूल एंड ड्राई प्लेस पर रखें और अंधेरी जगह पर रखें। तो इस तरह से इसके जो ये सीड्स होते हैं ये बहुत हल्के होते हैं, जैसे कागज़ होता है, कागज़ के टुकड़ों की तरह होते हैं, ये बहुत ही हल्के होते हैं। और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें जब ये खुल जाए तो आप इसको कलेक्ट कर लें क्योंकि ये हवा से उड़ जाते हैं, तो इसलिए आप इनको समय से कलेक्ट कर लें। तो फर्स्ट टाइम हमें इस पर सीड मिले हैं और इसको ग्रो करने सीड्स को ग्रो करने का सीज़न रेनी सीज़न होता है। बरसात के मौसम में आप किसी भी लिली के सीड्स को ग्रो करें क्योंकि जब इसका फरवरी तक इसका समय आएगा तब तक बल्ब इसका बनकर रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे सीड्स मिले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस ज़रूर करें क्योंकि इससे आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप किसी प्लांट पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें बताएं, हम आपको वो वीडियो बना के देंगे। तो इस तरह से हमने इसके सारे सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं। आप भी ज़रूर इसको ग्रो करें। बल्ब से ग्रो करना इजी होता है लेकिन सीड से अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उसको रेनी सीजन में करें, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये अमेरिलिस लिली का दूसरा कलर है, ये लाइट ऑरेंज कलर है और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। देखिए इसमें से इसकी जो फ्लावर स्टिक है, अभी इसमें से लीव्स नहीं निकली हैं, केवल फ्लावर स्टिक ही निकली है इसके बल्ब में से, और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। थैंक यू।